नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए भारत के अंदर WhatsApp पेमेंट सिस्टम को अब स्टार्ट कर दिया है। हालांकि दोस्तों सिस्टम ये है कि आपको WhatsApp पेमेंट के लिए ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने WhatsApp ऐप के सहायता से। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि WhatsApp पेमेंट की जो सुविधा है देश के अंदर यानी कि भारत के अंदर 40 करोड़ WhatsApp के एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है। यानी कि उन 40 करोड़ में से केवल मात्र पूरे भारत के अंदर 2 करोड़ लोगों को ही इस WhatsApp पेमेंट का सिस्टम को रोल आउट दिया गया है। यानी कि 2 करोड़ लोगों के पास ही WhatsApp पेमेंट का ऑप्शन नजर आएगा। यदि आपके पास भी ये ऑप्शन नजर आ रहा है इस प्रकार, जैसे कि देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, इस प्रकार यदि आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है तो आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे आप अपने WhatsApp पेमेंट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं के सारे आप आराम से कहीं पर भी पैसे दे पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको 3 बातें बताने वाला हूं, कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, कैसे काम करेगा WhatsApp पेमेंट का सिस्टम, प्लस कौन कौन से ऐप पर पेमेंट आप कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या कर पाएंगे। हालांकि आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे कि आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं भी उन 2 करोड़ यूजर्स के अंदर शामिल नहीं हूँ, यानी कि मुझे भी WhatsApp पेमेंट का सिस्टम नहीं मिला है। लेकिन मैंने जानकारी जुटा कर आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको WhatsApp पेमेंट का सिस्टम मिला है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिख रहा होगा कि आपके पास एक बैंक खाता और बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके बाद आपके WhatsApp में फोटो वीडियो भेजने वाले अटैचमेंट आइकन पर क्लिक करना होगा और यहां आपको WhatsApp पेमेंट का विकल्प मिलेगा। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कहां पर क्लिक करना है। फिर आपको यहां पर देखिए इस पर क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा। यहां पर आपको बैंक अकाउंट और अपना जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको फोन कॉल्स और मैसेज पढ़ने की परमिशन देनी होगी, ठीक है। उसके बाद 5वें स्टेप की हम बात करें तो इसके बाद पेमेंट करने के लिए UPI पासवर्ड अपना खुद का बनाना होगा, जैसा कि हम अलग अलग ऐप में बनाते हैं। 6ठे स्टेप की हम बात करें तो यदि आपके पास पहले से ही UPI पासवर्ड है तो उससे भी आप WhatsApp का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रक्रिया होगी WhatsApp के अंदर रजिस्ट्रेशन, WhatsApp पेमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करने का तरीका। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कैसा काम करेगा WhatsApp पेमेंट, यानी कि WhatsApp पेमेंट ऑप्शन जो है ये कैसे सिस्टम काम करेगा। यहाँ पर देखिए पहली बात ये लिखी कि WhatsApp पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI पर काम करेगा। गूगल पे, फोनपे, भीम और विभिन्न बैंकों के ऐप भी इसी सिस्टम पर काम करते हैं। तीसरे स्टेप की हम बात करें तो ये है कि WhatsApp पेमेंट का इस्तेमाल करने के लिए आपको वैलेट में पैसा रखने की जरूरत नहीं होगी। WhatsApp यूजर सीधे अपने बैंक खाते से भी पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। लास्ट में बात करें तो यहाँ पर पॉइंट यह है कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट सेक्शन में पैसे ट्रांसफर करने के लिए UPI ID एंटर करनी होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों ये है कि कौन कौन से ऐप पर पेमेंट आप कर सकेंगे। यहाँ पर दोस्तों यदि पॉइंट की बात करें पहले तो WhatsApp पेमेंट के जरिए आप UPI इन वर्ल्ड किसी भी पेमेंट ऐप पर पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, यानी कि जिस ऐप के ऊपर UPI सिस्टम इनबिल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो यदि कोई यूजर्स WhatsApp पेमेंट पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो WhatsApp आपको एंटर UPI ID का विकल्प देगा। इसके जरिए आप भीम, गूगल पे, फोन पे और UPI बेस्ड अन्य पेमेंट ऐप पर पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि इसके अलावा पेमेंट प्राप्त करने वाला यूजर्स WhatsApp पर रजिस्ट्रेशन कराकर भी पेमेंट ले सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो यह है कि WhatsApp के भारतीय नंबर पर ही पेमेंट किया जा सकेगा, यानी कि जो पेमेंट की सुविधा है आप अपने इंडिया के अंदर ही यूज कर पाएंगे, इंडिया के नंबर पर ही पेमेंट को भेज पाएंगे या फिर प्राप्त कर पाएंगे। अगले पॉइंट की हम बात करें तो वह है यदि कोई यूजर्स इंटरनेशनल नंबर पर WhatsApp ऑपरेट करता है तो उसे पेमेंट सर्विस नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी कि ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि आप इंटरनेशनल मोबाइल नंबर पर पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर यह है क्वेश्चन की कि क्या पेमेंट के लिए कोई चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं, नहीं, आपको पेमेंट के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। UPI एक फ्री सेवा है और इस पर ट्रांजैक्शन के लिए कोई शुल्क लागू नहीं होता है। WhatsApp पेमेंट के जरिए पैसा ट्रांसफर करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा, ठीक। अगले पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि UPI के जरिए अधिकतम ट्रांजेक्शन पर 1 लाख रुपए की सीमा तय है, यानी कि आप 1 लाख रुपए तक के पैसे आराम से रकम जो है भेज सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज्यादा के काम नहीं कर पाएंगे। तो अगले पॉइंट की हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है WhatsApp पेमेंट पर भी अधिकतम ट्रांजेक्शन सीमा लागू होगी, ठीक है। अगली बात करें हम पॉइंट की तो कुछ UPI ऐप बैंक अकाउंट और IFSC कोड एंटर करके पेमेंट की सुविधा देते हैं। अभी WhatsApp पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, अभी आप केवल UPI ID लेकर या फिर WhatsApp नंबर लेकर डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। हालांकि अभी आप बैंक अकाउंट और IFSC कोड के सहारे पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे।
तो दोस्तों मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि आपको कैसे अपने WhatsApp को अपडेट करना है और कैसे आप अपने WhatsApp पेमेंट ऑप्शन को इनेबल कर पाएंगे या प्राप्त कर पाएंगे यदि आपको मिलता है तो, यदि आप 2 करोड़ लोगों में से शामिल है तो। तो दोस्तों यही आपको बताना था कि यदि आपके पास WhatsApp पेमेंट का ऑप्शन मिल चुका है तो आप कैसे उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और कैसे उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और कैसे आप आराम से सारा काम कर पाएंगे, इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैंने दे दी है। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों आपको WhatsApp से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए क्योंकि आने वाला फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्प साबित हो पाएगी। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।